तो फर्स्ट मील जो होगी वो मेरी जूस और पोहा। तो भाई रेडी हो गया हूँ और जिम के लिए निकल रहा हूँ। निशु आ गया, फ्राइडे है ना, फ्राइडे। ओ भाई मेट्रोजन के नीचे उतरा चतुर्भुज, चार लड़के वीडियो बना लगी मेरी। इस बंदे की लड़ाई हो गई है बहुत प्यारक वाली और उसको ऐसा धमकाया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का सीन कुछ ऐसे कि यार आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको फुल डे ऑफ ईटिंग की, क्या क्या मैं खाता हूँ। और वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं तो आपको भी इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, कि क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या वेज ऑप्शंस हैं जिससे कि प्रोटीन इनटेक, फैट इनटेक हमारा पूरा हो जाए। तो यार मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले सुबह उठ के मैंने ल्यूकवार्म वाटर पी लिया था और वो मैं 1 लीटर पीता हूँ, रोज सुबह पीता हूँ, उससे सही रहता है थोड़ा सा सीन। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने दिन की फर्स्ट मील क्या होने वाली है। तो गाइस जो ये मेरी फर्स्ट मील है वो है यार मिक्स फ्रूट जूस और ये मैं रोज सुबह पीता हूँ और ये हम घर में ही बनाते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है पोहा मेरे पास, जिसमें कि हमने फैट के लिए डाल रखी है मूंगफलियाँ और कार्ब्स है इसमें, अभी प्रोटीन नहीं है इसमें। बाकी प्रोटीन की इनटेक मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से मैं पूरी करता हूँ। तो फर्स्ट मील जो होगी वो मेरी जूस और पोहा, तो मैं ये खाऊंगा और फिर खा के आपसे मिलता हूँ इसको दूसरी मील में। तो गाइस यार अभी बज रहे हैं दिन के 3 और यार अभी मेरे लंच का टाइम हो चुका है और लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं खुद ही बनाता हूँ सारा लंच और मैं दिखाता हूँ क्योंकि क्या मैंने बनाया है। तो गाइस ये है मेरा लंच, यहाँ पर है मेरे पास 200 ग्राम पनीर और यहाँ पर जो भी तुम्हारे घर में सब्जी बनी हो तुम खा सकते हो, मैं आज कढ़ी बनी है तो ये कढ़ी खाऊंगा और यहाँ पर 2 चपाती। तो ये है मेरा कुछ इस तरीके का लंच और इसे मैं खाता हूँ। और स्क्रीन पे हुआ तो मैं यार मैक्रोज वैक्रोज भी डाल दूंगा इसकी, कितना कितना क्या मिल रहा है, बाकी इन सब मैं चोचलो पड़ता नहीं क्योंकि ऐसे बनाते हैं यार देसी जिम बॉयज। हाँ तो भाई मैं काम कर रहा था और काम करते करते मुझे याद आया कि यार आपको एक चीज़ और बतानी है कि यार पानी ज़रूर पीते रहना हर आधे घंटे में, खाना खाने के आधे घंटे बाद और आधा घंटे खाना खाने के 15-20 मिनट पहले पानी ज़रूर पीते रहना और पूरे 3-4 लीटर पानी पीना पूरे दिन में। और जिम में 2 लीटर मेरा कम्प्लीट हो ही जाता है, 6 लीटर पानी मेरा हो जाता है। तो आप भी ऐसे कुछ करना जिससे कि आप पानी का इनटेक अच्छा वाला रहे, ठीक है। सो गाइज यार अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं 7:30 तक जिम जाता हूँ। तो अभी मैं प्री वर्कआउट मील ले रहा हूँ और जो मेरी प्री वर्कआउट मील होगी वो है थोड़े से 1 कटोरी चावल और मतलब बॉइल्ड राइस और 200 ग्राम दही, तो इसको खाऊंगा और फिर चलेंगे जिम। हाँ थोड़ा नहा धो लेंगे, सुबह से गंदा ही ऐसे वीडियो बना रहा हूँ और मैं ऐसे ही रहता हूँ, शाम को ही नहाता हूँ जनरली, ठीक है। तो अब सीधा नहा धो के मिलता हूँ जिम के टाइम पे, बाय बाय। तो भाई रेडी हो गया हूँ और जिम के लिए निकल रहा हूँ, निशु आ गया, फ्राइडे है ना, फ्राइडे को यार अपनी गाड़ी निकलती नहीं है, दिखाता हूँ क्यों। और मैं जा रहा हूँ जिम, मिलता हूँ जिम पे। तो भाई यार निशु यहाँ पर आ चुका है और मैं जा रहा हूँ जिम के लिए और यार एक कॉफी पड़ी है, 2 पीता हूँ वैसे, तो एक बार एक जुगाड़ करते यार कहीं से मिलती है तो, अदरवाइज इसको बिकी मारेंगे, इसमें कुछ स्वाद आएगा नहीं ऐसे यार। चलते हैं फिर अब जिम में जाके मिलूंगा, ठीक है भाई। तो भाई अभी रास्ते में हम रुके हुए हैं और समीर अभी आ रहा है, वो सीधा कॉलेज से आ रहा था तो उसको हमने रोहिणी ईस्ट से हम उठा रहे हैं सीधा और वो सीधा जिम लेके जाएंगे और देखते हैं यार फिर क्या करते हैं, जिम शोल्डर करेंगे। और नीशू के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पहले इसमें गाने वाले नजर चल नहीं रहे गाड़ी में, तो खोल दिया, दिखा दे सब खोल बोल दिया इसने, दिख रहा होगा अभी दिख रहा, अब अभी दिख रहा होगा। तो यार इसने खोल बोल लिया है, बहन हरकतें कर रहा है। और यार मिडिल क्लास फैमिली वाले मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदों के साथ यही प्रॉब्लम लगी रहती है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। अभी यार पंचर भी हो गया था, वो जो नया टायर है उसमें हो गया था, तो यार बड़े ज़िंदगी के लफड़े चल रहे हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे यार जल्दी। मेट्रो में
मेट्रो बाजार था। हां फिर भाई एक अंकल आए कह रहे बेटा सौरभ जोशी। मैं कहा नहीं अंकल सौरभ जोशी बोल रहे तेरे को। वो भाई मेट्रो जन के नीचे उतरा चतरपुर चार लड़के वीडियो बनाने लगी मेरी। मैं उनकी तरफ देखा मैं क्या हो गया सौरभ जोशी बोल रहे जा रहा मैं। मैंने पहले इधर को बोला वो लगता नहीं भाई भाई उसके बाद बंदो ये कमेंट करके बताओ भाई यो ये सौरभ जोशी लगता है मस्त लग रही है। अरे मास्क लग रहा देख सौरभ जोशी मास्क लग रहा था मास्क डालने के बाद भाई कैसे सौरभ जोशी लगता है तू भाई ये कौन आ गया भाई कमेंट करके बताना नीचे ठीक है लगता है कि नहीं लगता यार। कॉफी लेने जा रहे हैं भाई कॉफी देना अंकल जस्ट कॉफी ये वाली देना अंकल ये वाली कॉफी दस हाँ एक रुपए की है ना। ये बंदा जिम आ चुका है और यार देखो कॉल से आउटपुट में आया भाई डेडिकेशन हो तो सौरभ जोशी जैसा हो नकली सौरभ जोशी अपना फोटो कॉपी। मगर आज क्या मारेगा तू प्राइस अब। अच्छा अभी फ्लैक्स करते एक बार फिर जिम की बात करेंगे फ्लैक्स फिर देखेंगे भी तो कितना फर्क दिख रहा है ये Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. साइड रेस टेबल पे फाड़ देंगे भाई फाड़ देगा ना आज ब्रो फाड़ देगा। मैं ऐसे बालों में से लगता हूँ बीच की मैं हूँ यहाँ यहाँ पर फोटो अटैच कर रहा हूँ देख लेना यहाँ कैप में और यहाँ पर ट्राइसेप का पंप आया तो नहीं खैर बाहर देखो ट्राइसेप का पंप याद रखियो ब्रो। अपना जिम यहाँ पर हो चुका है तो जिम के बाद हो रहा है हमारा रेस्ट और अपन चिल कर रहे हैं यहाँ पर जिम में बैठ के चिल कर रहे हैं। घर पे जाएंगे तो गालियाँ पड़ती है क्योंकि कैसे घर नहीं आ रहे नहीं मजा आ रहा है गाड़ी गिर अब अपनी बताया ना फिर अब बता ना गाड़ी का पहला गियर कैसे डालना है यार। देखो दीपक ऐसे मत करा कर तू कैमरे में बेइज्जती करवाता है मेरी पता तेरे को नहीं बता रहा दीपक जल्दी बता भाई इन्होंने बताया अभी इन भाई ने बताया कि कैसे लगता है जल्दी बता हाँ कैसे कैसे लगता है गियर कैसे लगता है अब तो बता दे अब तो बता दे भाई इतना इंसिस्ट करवा रहा है चल जल्दी बता। हाँ दूसरा गियर ये ऐसे कैसे ये क्या तो भाई यार एक्सरसाइज करके हम आ चुके हैं जिम से बाहर और आज भाई सब भयानक सीन हो गया। इस बंदे की लड़ाई हो गई है बहुत भयानक वाली और उसको ऐसा धमकाया उसको भाई साहब बंदे को कि आगे से फालतू बोलेगा नहीं। वैसे वो लड़ाई भाई हुई थी हाँ और धमकाया मोहित ने वैसे वो भाईचारे में लगता है अपना मगर यार इसको फालतू बोल दिया थोड़ा सा तो इसलिए यार गुंदा गुंदा आ गई थी थोड़ी सी तो इसलिए उसको अच्छी तरह समझा दिया बाइकों को तो बाकी कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं। अभी घर जा रहे हैं और घर जाके थोड़ा सा खाते पीते हैं कुछ बढ़िया सा और आज फुल डेटिंग भी चल रही तुम पता है और घर जाके दिखाता हूँ यार कि क्या अब खाने वाले हैं। ठीक है मिलते हैं अब गाली बकरा है अब इसको म्यूट करूंगा नहीं मैं साफ सी बात है। ठीक है मैंने कहा कौन सी गाली बकी नहीं बकी ना वो वीडियो में दिखेगा तेरे को। समीर भाई परसों बर्थडे का सीन तो भाई यार जिम से मैं घर आ चुका था और अब मैं देखता हूँ कि अब जो मेरी लास्ट मील होने वाली है वो क्या होने वाली है। वैसे वो मैंने बॉईल कर रखे हैं राजमा और छोले काले चने जो होते हैं वो बॉईल कर रखे हैं उसके बाद लस्सी भी होगा तो ये मेरी आखिरी मील होगी और प्रोटीन मैं कंज्यूम कर नहीं रहा अभी क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरे पास प्रोटीन का स्टैक खत्म हो चुका है तो इसलिए वो नहीं कर रहा। तो ये मेरी लास्ट मील है जो मैं आपको दिखा देता हूँ
तो भाई ये है मेरा डिनर, इसमें है 50 ग्राम राजमा और 50 ग्राम छोले काले चने, और भाई साहब और यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल बने हुए घर में तो वो खाऊंगा। तो ये मेरा डिनर है, और इसके साथ यार मेरे पास 100 ग्राम लस्सी भी है, तो वो लस्सी भी पीऊंगा, और बस यही है लास्ट मेरा मील, और इसको खाते हुए इंजॉय करता हूँ। तो भाई यार मैंने डिनर भी कर लिया है और मैंने लस्सी भी पी ली, तो यार आखिरी में आपको ये सारे मैक्रोज वैक्रोज दिख जाएंगे कि कितने कितने मैक्रोज थे इसमें, सब कुछ दिख जाएगा, और बाकी देख लो एक बार, और बाकी फिर मुझे यार कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये डाइट मेरा कैसा लगा, क्योंकि मैं प्रोटीन ज़्यादा ले नहीं पा रहा था, इसलिए प्रोटीन ज़्यादा है भी नहीं वैसे तो, और ये कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो यार किसी को भी ज़रूरत हो या नीड हो, और अच्छा लगा हो तो तुम्हें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय टेक केयर। चली ना तेरी, चली ना तेरी, चली ना तेरी, मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी।